मुजफ्फरपुर के चर्चित प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही हत्याकांड मामले में सीआईडी ने नामजद अभियुक्त मंटू शर्मा और गोविंद को बृहस्पतिवार को दोबारा 48 घंटे की रिमांड पर लिया था, जहां सीआईडी ने इन दोनों से 48 घंटे तक पूछताछ की, जिसके बाद शनिवार को रिमांड अवधि खत्म हो जाने पर इन दोनों को दोबारा जेल भेज दिया गया। उसी बीच शुक्रवार को आरोपित गोविंद की ओर से अधिवक्ता मुकेश कुमार ने सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की है। आपको बता दें कि सीआईडी सूत्रों के मुताबिक गोविंद से सीआईडी ने बहुत सारे तथ्यों की जानकारी ली है, जिसके आधार पर सीआईडी टीम काम कर रही है और छापेमारी कर शूटर, हथियार और घटना में प्रयोग किए गए वाहनों की खोजबीन कर रही है। वहीं आरोपित गोविंद ने सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि इस मामले के इन्फॉर्मर ने उसके दुश्मनों के कहने पर उसे इस मामले में फंसाया है। पुलिस के दबाव में पीसीआर के दौरान कई खाली कागजों और खाली प्रिंटेड कागजों पर गोविंद के हस्ताक्षर और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाया गया है। पीसीआर के दौरान या किसी भी समय उसने अपना अपराध कबूल नहीं किया है। उसके कब्जे से कुछ भी आपत्तिजनक बरामद नहीं हुआ है। गोविंद को आशंका है कि पुलिस झूठी और मनगढ़ंत स्वीकारोक्ति तैयार कर सकती है, इसके बाद दावा कर सकती है कि ये गोविंद द्वारा दिया गया है। इसके साथ ही मोटरसाइकिल, हथियार आदि की झूठी जब्ती भी दिखा सकती है। ये भी झूठा दावा कर सकती है कि उससे प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप इसकी खोज की गई है। उसे ये भी आशंका है कि पुलिस इस मामले में उसे झूठा फंसाने के लिए अन्य झूठ सबूत तैयार कर सकती है या बना सकती है। इन्हीं बातों को लेकर गोविंद के अधिवक्ता मुकेश कुमार ने शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की है। आपको बता दें कि पुलिस पर ऐसा ही आरोप इस हत्याकांड के नामजद आरोपित शेरू अहमद भी पहले लगा चुके हैं। उनके तरफ से भी कोर्ट में ये कहा गया कि उनसे पुलिस ने सादे कागज पर हस्ताक्षर करवा लिया था, जबकि उन्होंने पुलिस को किसी भी प्रकार की कोई स्वीकारोक्ति नहीं दी है। ज्ञात हो कि 22 जुलाई को मृतक आशुतोष शाही की पत्नी द्वारा 6 लोगों के विरुद्ध नामजद एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसमें मंटू शर्मा, गोविंद, ओंकार सिंह, सैयद कासिम हसन उर्फ डॉलर, विक्रांत उर्फ विक्कू शुक्ला और शेरू अहमद शामिल थे। एफआईआर के बाद 24 जुलाई को शेरू अहमद और विक्रांत कुमार उर्फ विक्कू शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि सैयद कासिम हसन उर्फ डॉलर पुलिस कस्टडी में इलाजरत थे। फिलहाल उन्हें कोर्ट से राहत मिली हुई है और वह जमानत पर है। वहीं मंटू शर्मा और गोविंद को पुलिस ने 3 अगस्त को तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिला के रामेश्वरम से गिरफ्तार किया था। इन दोनों को पुलिस ने 5 अगस्त को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर ले लिया। अब पूरा मामला न्यायालय के अधीन है और सीआईडी इस केस को देख रही है। इस हत्याकांड से जुड़े अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या अधिवक्ता सैयद कासिम हसन उर्फ डॉलर की जमानत बरकरार रहेगी? क्या शेरू अहमद और गोविंद की याचिका कोर्ट में कुछ अलग खेल करेगी? क्या सीआईडी को हथियार और शूटरों का पता चल पाएगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो अभी भी इस हत्याकांड का रहस्य बनी हुई हैं। बिहार लाइव नाउ के लिए मुकेश चौरसिया की रिपोर्ट। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। महाकाल के पावन महीने सावन में सबसे बड़ा कवरेज महीना बाबा का देखिए सिर्फ मुजफ्फरपुर लाइव नाउ पर। ओम नमः शिवाय।